नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्री। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर पब्लिक की क्या राय है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आवाम की आवाज में कौन बुलंद होगा ये जानना जरूरी है। 2019 में किसकी बादशाहत होगी, सरकार चुनने के लिए इंडिया का मूड क्या है, तो जी न्यूज पर इन सारे सवालों का जवाब खुद पब्लिक देगी। जनता के बीच पब्लिक पोल में जनता अपनी बेबाक राय रखेगी। एग्जिट पोल में एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, इसीलिए हम पब्लिक से पूछ रहे हैं कि क्या देश को मोदी पर भरोसा है। और यही सवाल हम हर जगह, हर इलाके में, हर क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर, चूंकि हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ अलग अलग जगहों से बने हुए हैं, जो जानेंगे कि देश का मूड इस एग्जिट पोल्स को लेकर क्या कहता है, जो कह रहा है कि फिर से एक बार देश में मोदी की सरकार। तो हमारे साथ तमाम संवाददाता जो जुड़े हुए, उनका नाम मैं आपको बता दूं, दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी मेरे साथ सीधा बने हुए हैं, लखनऊ का भी रुख करेंगे, वहां से मेरे साथ विशाल पांडे हैं, बेंगलुरु से मेरे साथ जयपाल शर्मा, और अंकित का भी रुख करेंगे जो कि जयपुर से मेरे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आऊंगी, देश की राजधानी का मूड जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स यही इशारा कर रहे हैं कि जो विजय पताका फहराएगा दिल्ली में, दिल्ली की सातों सीटों पर, वो तो बीजेपी फहराने जा रही है, लेकिन जनता क्या कह रही है, जरा बात करिए लोगों से। देखिए, जनता ने बहुत कुछ तैयार भी कर रखा है, कुछ लोग शायर हैं और शेरो शायरी भी तैयार कर रखा है मोदी के नाम पर और सरकार के नाम पर। एक साहब हमारे साथ खड़े हैं और इन्होंने आपने क्या तैयार किया, आप सुनाना चाहते कुछ मोदी साहब को लेकर, आपने कुछ तैयार किया है? जी, मैं अशोक नदवाशा शायर हूं। पहली बात तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, किसी भी शायर को और कवि को पॉलिटिकल होना नहीं चाहिए और कभी भी इस तरह की, आप अपनी शायरी सुनाए तो ज्यादा बेहतर होगा, जैसे कम समय। जी 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 जी, मैंने जब अभिनंदन देश में रिहा होकर आ रहे थे पाकिस्तान से, उस दौर में मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, मैं आपको सुना देता हूं। मैं अपनी शायरी में कभी किसी नेता का नाम लिखता नहीं, पर तूने किया ऐसा काम कि तेरा नाम जबान से हटता नहीं। जी चाहता है मोदी, तेरा सजदे पे सजदा करूं, गर सामने आ जाए तो फूलों की बरसात करूं। और अभी अभी मैंने दो चार दिन में अभी कुछ लाइन लिखी हैं, मैंने लिखा है, सुना देता हूं। तेरे बोलने की अदा पे जो ये दुनिया फिदा है, तेरे बोलने की अदा पे जो ये दुनिया फिदा है, ये तेरे माँ की दुआ है, ये तेरे माँ की दुआ है या तुझ पे मेहरबा खुदा है। चूंकि ये सरीन, ये जगह है जो है मंडी हाउस के आसपास है और कलाकार यहाँ बहुत होते हैं, चूंकि तमाम कलाकार यहाँ रहते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, आप लोग राजनीति से जुड़े रहे, आपका क्या आकलन है चुनाव को लेकर? जी देखिए, आकलन तो ये है कि सबको पता है कि विकास के ऊपर ही चुनाव होता है। कितनी सीट दिल्ली में, साथ में कितनी सीट दिल्ली में, जो एग्जिट पोल बता रहा है उसके हिसाब से, जब एग्जिट पोल इतनी बता रहा है, एक एग्जिट पोल, दो, तीन, चार, कितने सर्वे हैं, वो सारे एक ही चीज बता रहे हैं। आप नौजवान, आप आगे आइए, आप नौजवान हैं, क्या करते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं आयुष त्रिपाठी, छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, यहाँ पर रशियन लैंग्वेज का कोर्स कर रहा हूँ। क्या लग रहा है मोदी जी को लेकर, चाहे कल सरकार को लेकर जो एग्जिट पोल आया है, कांग्रेस को लेकर भी आया है, वो एग्जिट पोल आपको कहां तक ठहरता है, आपको कहां तक पच रहा है? सर, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से एग्जिट पोल बता रहा है 28 सीटें, जो कि प्रोबेबली आनी ही आनी है, उसका कोई रोक नहीं सकता उसको। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? सर, मध्य प्रदेश की जनता को विकास दिखता है और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी है तो पानी की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम, ये अभी से महसूस होना चालू हो गया उन लोगों को। और मेन मुद्दा है सर, जब इंडियन आर्मी एयर स्ट्राइक करती है तो विकास होता है, पाकिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक की गई है उस पर मध्य प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा गर्व फील करती है। आपको क्या लगता है, आप क्या किस मुद्दे को लेकर चलते हैं और एग्जिट पोल में आपको क्या लगता है, जो एग्जिट पोल कल दिखाया गया है वो कहां तक सही ठहरता है? एग्जिट पोल जहां तक है कि सही है, सारे बीजेपी के तरफ ही है सारे एग्जिट पोल, और जहां तक है बीजेपी का ही बोलबाला रहेगा आगे भी। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से जितना भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर उनका आप एवरेज भी निकालेंगे तो बीजेपी को मेरे हिसाब से 325 के करीब सीट है। आप भी यहाँ घूम रहे हैं, क्या एग्जिट पोल जो कल आया है, जो अखबार में आपने पढ़ा, क्या लगता है? एग्जिट पोल के नतीजों की झलक है वो बहुत हद तक मैच करती है यहाँ पर जनता की राय से, क्योंकि जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं वो तो कम से कम इसी तरफ
इशारा कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ और भी संवाददाता है, मैं सबके पास आऊंगी एक एक करके, लेकिन पहले केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने जो खुलासा किया है उस बात का जिक्र कर लेते हैं। चुनाव से पहले ही पीएम मोदी और अमित शाह ने 300 से ज्यादा सीटें जीतने की भविष्यवाणी की थी। थावरचंद ने यह भी कहा कि 2014 की मोदी लहर 2019 में सुनामी बन गई है। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र सिंह ने थावरचंद गहलोत से खास बातचीत की है, सुनिए पूरी बात।